जलिया वाला बाग जहां आज इसी सकरा रास्ते से अंदर जाते हैं, जहां आज भी एक कुआं है, समाधि है और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। भारत के इतिहास में जलिया वाला बाग हत्याकांड एक ऐसा मंजर था जिसे कोई पत्थर दिल इंसान भी याद करके सहम जाता है। 13 अप्रैल 1919 में शाम के 5:30 इसी दिन अंग्रेज शासकों की एक टुकड़ी ने निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग में उस समय प्रदर्शनकारी रोलट एक्ट का विरोध कर रहे थे। वह रविवार का दिन था और आसपास के गांव से आए भारी संख्या में किसान हिंदुओं तथा सिखों का उत्सव बैसाखी मनाने अमृतसर आए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के नेतृत्व में अत्याचारी जनरल डायन ने गोलियों का बारिश उस जलियांवाले बाग में करवाया था। 6.5 एकड़ के इस बाग में जाने के लिए जो सकरा रास्ता था, उसी सकरा रास्ते में अपनी बंदूकों को लेकर निर्दयी हुकूमत करने वाला बाग में पहुंचा। उसका नाम था जनरल डायन। जनरल डायन ने अपनी फौजियों को हुक्म दिया कि मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाए। फिर चली 1650 राउंड गोलियां, जिनमें मानवता की हत्या कर दी। कागजों की माने तो उस दिन 380 लोगों की मौत हुई। गोलियों से बचने के लिए लोग कुएं में कूद गए। 120 लाशें तो सिर्फ उस कुएं से मिली। अगर आपको लगता है कि इतना ही हिंसा बहुत था तो थोड़ा रुकिए। इस घटना के अगले ही दिन यानी 14 अप्रैल गुजरांवाला में फिर कांड हुई, पर इस बार मौत जमीन से नहीं आसमानों से बरसाई गई। जलियांवाले बाग के हिंसा के खिलाफ विमानों से बम बरसाई गई, 12 लोगों की मौत हो गई। 2 दिन के अंदर पंजाब और पूरी दुनिया साम्राज्यवाद का सबसे कूड़ चेहरा देखने को मिला। इन घटनाओं को हुई 102 साल हो गए, लेकिन मारे गए निहत्थे मासूमों की चीखें आज भी जिंदा हैं।